हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बॉयलर गेज ग्लास के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं और इसका इम्पोर्टेंस भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रही। सो एक गेज ग्लास का प्रॉपर मेंटेनेंस बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है बॉयलर को सेफली और स्मूथली रनिंग करने के लिए। सो आज मैं इसीलिए इसका टॉपिक ये इसको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ कि कैसे प्रॉपर ब्लोडाउन प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, क्या क्या स्टेप आते हैं उसमें। सो आइए थोड़ा देखते हैं वीडियो को ब्रीफली। सो एक लोकल गेज ग्लास क्या करते हैं, ऑपरेटर को एनेबल करते हैं कि विजुअली ऑब्जर्व कर सके और वाटर लेवल वेरीफाई कर सके बॉयलर के अंदर। सो अगर इसका प्रॉपरली मेंटेनेंस और क्लीनिंग नहीं होगा तो ये रेंज से बाहर हो जा सकता है और बॉयलर स्मूथली और सेफली रनिंग करने में हैम्पर भी हो सकता है। सो जब भी आप इसको ब्लोडाउन करें या तो कंट्रोल ऑपरेटर इसके बारे में एवर होना चाहिए और नॉट ओनली कंट्रोल ऑपरेटर, फील्ड ऑपरेटर सबको ब्लोडाउन बॉयलर में जो जो काम कर रहे हैं सबको बॉयलर गेज ग्लास का जो ब्लोडाउन प्रोसीजर है सबको अच्छे से पता होना चाहिए। जब भी आप ब्लोडाउन करने जाते हैं गेज ग्लास को तो कंट्रोल रूम में तो कम्युनिकेशन होना ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपका अनएक्सपेक्टेड जो जो ड्रॉप होगा ना वाटर लेवल का, उससे थोड़ा सा कंट्रोल रूम में बहुत सारी परेशानी आ सकता है, सीरियसनेस आ सकता है। ठीक है, सो बिफोर कॉन्टेक्टिंग ये ब्लोडाउन प्रोसीजर आप पहले क्या करें, थोड़ा सा इंस्पेक्शन कर लें कि गेज ग्लास का इंस्पेक्शन कर लें, जैसे कहीं पर कुछ लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको लीकेज वगैरह मिलता है इंस्ट्रूमेंट में, कहीं पे कोई लीकेज है या फिर आपका आइसोलेशन वॉल्व में लीकेज है, तो आप उसका जो लीकेज सोर्स है वहाँ पे जाके आपको उसको डिटरमाइन करके आप उसका मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। उसके बाद बात ही आप ब्लोडाउन प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, सो एक्चुअली इसका इम्पोर्टेंस क्या है आपका क्लीनिंग और मेंटेनेंस का, कि वाटर कॉलम में जो उसका गेज ग्लास का जो पाइप कनेक्ट रहता है उसमें बहुत ज़्यादा सेडमेंट डिपोजिशन रहता है, इसीलिए उसका प्रॉपरली फ्लशिंग होना जरूरी है। अगर प्रॉपरली फ्लशिंग नहीं हो पाएगा तो वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो रहा है, उसके बाद ये आपका आपको अच्छे से लेवल ग्लास पे दिखेगा ही नहीं। जैसे कि आपका नहीं दिखेगा तो आप बॉयलर का जो सेफली और स्मूथली रन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो इसका एक फ्रीक्वेंसी रहता है कि आप कितने दिन में बॉयलर गेज ग्लास को फ्लशिंग करेंगे क्या। तो मैं भी किसी बुक में पढ़ा था कि इसको वीकली एक बार करना चाहिए, वो भी मैक्सिमम ड्यूरेशन वो 20 सेकंड के लिए। ठीक है, और अगर आपका कुछ लेवल इंस्ट्रूमेंट है तो उसको मंथली एक बार करना चाहिए एंड वो भी सेम 20 सेकंड ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, और इसका अगर बहुत एक्सेसिव ड्यूरेशन अगर आप ब्लोडाउन करके रखते हैं तो ये क्या करेगा आपका गेज ग्लास का और लेवल ट्रांसमीटर दोनों का लाइफ शॉर्ट भी कर सकता है। ठीक है, सो और भी कुछ रीज़न है इसके, जैसे कि आपका वाटर क्वालिटी बहुत ख़राब है तो आप, जैसे मैं आपको बताया अभी 7 दिन के ड्यूरेशन पर कर रहे हैं इसको, अगर वाटर क्वालिटी ख़राब है तो जल्दी चोक होने के चांसेस है, तो वहाँ पर आपको क्या थोड़ा और फ्रिक्वेंसी बढ़ा देना पड़ेगा। मतलब 7 दिन का है तो आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन में करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर केस में तो जितना भी गंदा हो पानी 7 दिन में ऑलमोस्ट उसका फ्लशिंग प्रोसीजर शेड्यूल रहता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी ऑपरेटर इसको फ्लशिंग करने जाते हैं उनको इसका ब्लोडाउन प्रोसीजर अच्छे से पता होना चाहिए। सिंपली आप ड्रेन वाल्व को खोल के फ्लशिंग करके उसको आइसोलेट कर देंगे तो वो क्या 100% एश्योरेंस नहीं रहेगा कि वाटर लेवल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। और एक चीज़ है कि आपका ड्रम से वाटर कलम और स्टीम कलम में 2 पाइप कनेक्ट रहते हैं जो कि गेज ग्लास रहता है, तो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि आपका वाटर साइड का ज़्यादा ये, जैसे ये हो गया आपका वाटर साइड, ये हो गया आपका स्टीम साइड, तो मैक्सिमम क्या है इस लाइन में ना ज़्यादा आपका सेडिमेंट डिपोजिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है आपको वाटर साइड का फ्लशिंग बहुत करना जरूरी होता है इन रेस्पेक्ट टू स्टीम साइड। स्टीम साइड में क्या है कि बहुत कम सेडिमेंट रहते हैं, और अगर आप ब्लोडाउन तो बॉयलर गेज ग्लास का फ्लशिंग अगर वीकली शेड्यूल करते हो कि आपका जो
रिक्स इंटेंट है सेडिमेंट जमा होने का वो बहुत कम हो जाता है। सो आइए देखते हैं गेज ग्लास का जो ब्लोडाउन प्रोसीजर है वो क्या क्या स्टेप आते हैं उसमें करने के लिए। तो उसको जानने से पहले हम उसका क्या पार्ट थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक फिगर रखा हूँ, ये हो गया आपका बॉयलर ड्रम हो गया, और यहाँ पे देखिए दो पाइप, और ये आपका हो गया लोकल गेज ग्लास, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो पाइप कनेक्ट हुआ है, ये हो गया पाइप वन, ये हो गया पाइप टू। तो नीचे वाला जो है आपका, ये है आपका वाटर साइड, और ये वाला जो है आपका स्टीम साइड। तो दोनों साइड में देखिए आप दो दो वॉल लगे हैं, वन टू एंड थ्री फोर। वन टू हो गया आपका स्टीम साइड का, एंड थ्री फोर हो गया आपका वाटर साइड का, ठीक है। और यहाँ पे दोनों पाइप गेज ग्लास के साथ कनेक्ट होने के बाद ये हो गया आपका नंबर सिक्स, जो आपका ये ड्रेन पाइप है, ठीक है। तो जब भी आप गेज ग्लास फ्लशिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपका दोनों साइड लाइट रहता है, चार्ज रहता है, वाटर साइड एंड स्टीम साइड। तो पहले आप जाके क्या करेंगे, आपका स्टीम साइड को आइसोलेट कर देंगे और ओनली वाटर साइड से अभी फ्लशिंग होगा, ठीक है। तो अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टीम साइड का वाल्व नंबर वन मैं बंद कर दिया, अभी सेकेंड वाल्व स्टीम साइड का वाल्व नंबर टू बंद हो गया, अभी मैं ड्रेन नंबर सिक्स खोल के अभी ओनली वाटर साइड का फ्लशिंग करने वाला हूँ। देखिए अभी वाटर साइड का फ्लशिंग चल रहा है, अभी ड्रम लेवल नीचे आ रहा है, देन यहाँ पे भी आपका वाटर लेवल देखिए नीचे आ रहा है। तो अभी क्या है, वाटर साइड का फ्लशिंग हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, वाटर साइड को आइसोलेट कर रहा हूँ, वाल्व नंबर थ्री आइसोलेट हो गया, अभी वाल्व नंबर फोर भी आइसोलेट हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, फिर ड्रेन ओपन रहेगा, स्टीम साइड का वाल्व खोलूँगा, खोल गया अभी, देन स्टीम साइड का सेकेंड वाल्व खुल गया, अभी वाटर साइड आइसोलेट है पूरा और स्टीम साइड अभी चार्ज है। अभी मैं फिजिकली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ड्रेन नंबर सिक्स से स्टीम साइड से भी फ्री फ्लो आपका स्टीम एंड वाटर मिक्सचर आ रहा है। तो अभी क्या है, दोनों साइड का मुझे एंश्योर होने के बाद कि दोनों साइड प्रॉपरली फ्लश हैं, और दोनों साइड जब इंडिविजुअली चार्ज था तो दोनों साइड से फ्री फ्लो आपका फ्रीली वाटर और स्टीम आ रहा है, देन मैं इंश्योर होऊंगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ड्रेन नंबर सिक्स बंद कर दूँगा, और अभी तो मेरा स्टीम साइड ऑलरेडी चार्ज था, तो मैं अभी क्या करूँगा, वाटर साइड फिर चार्ज करूँगा, और ड्रेन लाइन को वाटर साइड फुल चालू होने के बाद ड्रेन लाइन को और एक बार खोल के उसको फ्लशिंग करके बंद कर दूंगा। तो उसके बाद क्या, मेरा एग्जिट लेवल दिखाना स्टार्ट कर देगा। अगर उसके बाद अगर आपका एग्जिट लेवल शो नहीं कर रहा, गेज ग्लास पे नहीं आया है, तो आपको क्या है, लाइन में कहीं पे कुछ सेडिमेंट डिपोजिशन होने का चांसेस है, तो आपको क्या उसके बाद फिजिकली उसको क्लीन करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी प्रोसीजर से आपका ड्रम का जो लोकल गेज ग्लास है वो आपका फ्लशिंग किया जाता है। और इसमें और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि जब कोल्ड टाइम पे हम लोग अगर जब चार्ज करेंगे गेज ग्लास को तो कैसे चार्ज करेंगे, कौन सा लाइन पहले खुला है, ओपन करेंगे वाटर साइड स्टीम साइड। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपका वाटर का डेंसिटी ज़्यादा रहता है इंजेक्टेड टू स्टीम, और वन लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाई लेस स्पेस इन रेस्पेक्टेड टू वन के जी ऑफ स्टीम। तो यहाँ पे क्या है, पहले आपको स्टीम साइड का स्टीम साइड चार्ज करना चाहिए, क्योंकि आपका वाटर क्या लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है इन रिस्पेक्ट टू स्टीम। तो स्टीम क्या है, जैसे वो वेपर स्टेट में है तो वो गेज ग्लास में जाके आपको जो पहला रिक्वायरमेंट होता है गेज ग्लास चार्जिंग का कोल्ड स्टार्टअप पे, कि आप यूनिफॉर्म हीटिंग करेंगे गेज ग्लास को, तो जो यूनिफॉर्म हीटिंग होता है अच्छे से वो आपका स्टीम साइड से यूनिफॉर्म हीटिंग हो पाता है, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है और वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो गेज ग्लास में वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होके उसका टेम्परेचर को ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाता है। तो सबसे पहले जब आप कोल्ड स्टार्टअप पे गेज ग्लास चार्ज करने वाला, तो आप पहले स्टीम साइड चार्ज करेंगे, हल्का सा खोल के उसको कुछ देर वेट करेंगे, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या यूनिफॉर्मली राइज करेगा, और स्टीम साइड चार्ज पहले रहेगा, उसके बाद फिर आप वाटर साइड चार्ज करके उसको लाइन में ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रोसीजर से ही आपका गेज ग्लास फ्लशिंग होता है। तो अगर आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है मेरा पसंद आया होगा, तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया, और होगा तो मेरे चैनल को आपको पसंद आ रहा है और आप नया नया कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।